दोस्तों आजकल की लड़कियां किसी भी लड़के से प्यार कर लेती हैं बिना उसके करेक्टर और बिना उसके बारे में जाने हुए। उसके बाद जब वो प्यार करने लगती हैं और उसके बाद में वो प्यार इतना करने लगती हैं दोस्तों कि वो अपना सारा का सारा इज्जत उस लड़के के हाथों में सौंप देती हैं। दोस्तों कई दिनों तक कई महीनों तक वो लड़का उनके साथ खेलता रहता है और उसके बाद जब शादी करने की बारी आती है तो वो लड़का इनकार करके उस लड़की को बदनाम करके चला जाता है। तो दोस्तों आज जिस घटना के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये घटना भी कुछ इसी तरह का है। तो आइए दोस्तों इस घटना की पूरी जानकारी आप लोगों को बताता हूँ। तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को थोड़ा सा भी मिस ना करें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दें। दोस्तों ये घटना राजस्थान के जयपुर के एक छोटे से इलाके से सामने आई है। यहाँ की रहने वाली अंजनी नाम की लड़की का छतरपुर के रहने वाले धर्मेंद्र नाम के लड़के के साथ करीब एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों का यह प्रेम यहीं तक सीमित नहीं था दोस्तों, बल्कि ये दोनों कई बार एक दूसरे के साथ नाजायज संबंध भी बना चुके थे। अंजलि रिलेशनशिप को लेकर काफी गंभीर थी। वो धर्मेंद्र से शादी करना चाहती थी और अपना घर भी बसाना चाहती थी, जबकि धर्मेंद्र का ऐसा कोई इरादा नहीं था। इस बीच बीते शुक्रवार को अंजलि ने धर्मेंद्र को मिलने के लिए एक जंगल में बुलाया। वहां दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई और एक बार फिर दोनों के बीच नाजायज संबंध भी स्थापित हुए। दोस्तों अंजलि ने धर्मेंद्र पर शादी के लिए दबाव बनाया लेकिन धर्मेंद्र ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद अंजलि को एहसास हो गया कि ये सिर्फ मेरे साथ अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहा है। फिर क्या था दोस्तों, गुस्से में लाल प्रेमिका ने प्रेमी को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। उधर संबंध बनाने के बाद जब धर्मेंद्र वहां पर बैठा था तभी इसी बीच जंगल में पड़े एक मोटे लकड़े से अंजलि ने लगातार धर्मेंद्र के ऊपर वार कर दिया। जब तक धर्मेंद्र अपने आप को संभालता तब तक अंजलि ने ना जाने कितनी बार धर्मेंद्र के ऊपर वार कर चुकी थी। इसके बाद दोस्तों धर्मेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई और अंजलि ने शव को घसीटकर जंगल में एक पेड़ के पीछे ले जाकर छुपा दिया। उसके बाद दोस्तों वो अपने घर चले गई। अगले दिन सुबह जंगल में पहुंचे ग्रामीणों ने संदिग्ध अवस्था में शव पड़ा देखा तो इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की विवेचना शुरू कर दी। धर्मेंद्र की मां को उसके प्रेम प्रसंग के बारे में पहले से जानकारी थी, इसलिए धर्मेंद्र की मां ने पुलिस को बेटे के अंजलि के साथ प्रेम संबंधों की बात बताकर उस पर हत्या का आरोप लगाया। दोस्तों प्राथमिकता दर्ज कर ली गई। इस दौरान जब पुलिस ने अंजलि से पूछताछ की तो पहले तो उसने पुलिस को बरगलाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना सारा जुर्म स्वीकार कर लिया, सब कुछ उगल दिया। जिसके बाद पुलिस ने इस हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी प्रेमिका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो दोस्तों इसीलिए मैं बार बार यही आपको समझाता हूँ कि शादी करने से पहले किसी के साथ भी रिलेशनशिप ना बनाएं। कोई ऐसा पहला केस नहीं है जब प्रेमी ने अपनी हसरतें पूरे करने के बाद शादी से इनकार कर दिया हो। दोस्तों ये वीडियो उन लड़कियों तक जरूर पहुँचाएं जो किसी भी लड़के से प्रेम कर लेती हैं बिना उसके बारे में जाने और समझे हुए, और उसके बाद जब उनका प्रेमी उन्हें धोखा देता है तो लड़की जज्बात में होकर ऐसा कदम उठा लेती है, वो भी गलत है। अगर प्रेमी शादी के लिए राजी नहीं होता है तो उसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाएं। ऐसी कोई भी हरकत ना करें जिससे आपको जेल तक जाना पड़े। तो दोस्तों ऐसी आपराधिक घटनाओं के बारे में जानने और सुनने के लिए लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमेशा देखते रहें ASN क्राइम अफेयर।